का दौरा है, दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे पर अब सियासत भी शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की कार्टून पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है। पहले पोस्टर में ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू का जिक्र भी कांग्रेस ने किया है और ये देखिए पोस्ट कांग्रेस ने किस तरह से तंज कसा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू का जिक्र इस पोस्टर में किया गया है। दूसरे पोस्टर में बीजेपी को आदिवासी विरोधी भी बता दिया है और ये देखिए दूसरा पोस्टर अपनी टीवी स्क्रीन पर नगर नार बेचने का भी उल्लेख किया गया है और ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने, सावधान बस्तर ये सब बेच डालेंगे। दूसरी तस्वीर में यह जिक्र किया, पहली तस्वीर आप देखिए पोस्टर वन और पोस्टर टू दोनों ही आपके सामने है, किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तंज कसा जा रहा है। तो अब कांग्रेस भी लगातार पोस्टर कर रही है, पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने और कांग्रेस ने यहां पर तंज भी कसा है। तो दिग्गजों के दौरे लगातार जारी हैं, लेकिन अब बस्तर का दौरा प्रधानमंत्री जिस तरह से करने वाले हैं उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने पोस्टरबाजी की है, पोस्टर भी जारी किए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिखर भी जुड़ चुके हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का दौरा है, पहले चरण में 19 अप्रैल को ही मतदान होने हैं और बड़ी बात यह है कि बस्तर का ही रुख करने वाले हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की ओर से अगर हम देखें तो ये पोस्टर जारी किए गए हैं, दो पोस्टर हैं, क्या कुछ लिखा है इन पोस्टर में? देखिए, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान होने जा रहा है वो बस्तर से होने जा रहा है और इसी बस्तर क्षेत्र का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और जिस तरह से उनका दौरा है, चुनावी बिगुल वो फूंकते हुए नजर आएंगे। जो दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का तय हुआ है उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। लगातार दो पोस्टर कांग्रेस की ओर से जारी किए गए हैं और उस कांग्रेस की ओर से जो पोस्टर जारी किए गए हैं उस पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि भूपेश बघेल से डर चुके हैं और ईडी, आईटी, सीबीआई को एक्टिव करने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से बस्तर में खनिज संसाधन है उसको लूटने तक की बात जो है वो पोस्टर के माध्यम से की गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और यही वजह है कि लगातार जो पोस्टर है वो देखने को मिल रहे हैं। कई सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं, हालांकि जो सवाल उठाए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन जो सवाल है उन सवालों का जवाब वो नहीं देंगे। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले चरण में इस बार बस्तर है और बस्तर में जब बड़े नेताओं के दौरे होंगे तो सियासत भी लगातार देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, सियासत भी देखने को मिलेगी और इस बार बस्तर का रण इतना आसान भी नहीं है शिखर। और बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस बीजेपी की तरह ही सवालों के जवाब देने में जुटी हुई है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका।